अम्मा पा रहा अम्मा पा रहा है नहीं भाई भाई अम्मा पा रहा है भाई ये कब है ये बहन से बेगम लेके आई है कैलोग्राफी कब कहते हैं अच्छा अच्छा सुन रहा है अम्मा ने भी वही निकल आया इंदौर मां मिंदे मी वो याद आ गया मुझे हमारे अंदर भी वही निकल आया जो इंदौर में हुआ अभी हां यार कसम से बहुत हलवा हलवा हया था हलवा हलवा अलग से निकला हलवा हलवा था हां यार कसम से यार वाक्य के बाद बुरी बात है कह नहीं जाइए वैसे आपको वाक्य क्या लगा कि मतलब ये अनोखा वाक्य था यार ये हमारी जहालत की अक्कासी करता है नहीं ये हमारे माशरे की अक्कासी करता है यही हमारे मासेज हैं और यही हमारी सोच है और यही हमारी असलियत मैंने सुना कि वो बंदा जिसने इल्जाम लगाया था ही कुडंट रीड उसने मतलब देखा कि ये लगा है तो चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नमाज पढ़ी है नमाज पढ़ के भाई ने मुझे फोन किया है कि यार औरत ने लिबास पहना उसके ऊपर लिखाई हुई है तो मुझे कुरान लग रहा है मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है लेकिन ये उससे मिल रहा है मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है भजन वो पढ़ सकता था नहीं पढ़ सकता था उसने पिस्टल निकाल ली थी आपको पता ASP है ना उसने BBC उर्दू को अपना एक इंटरव्यू दिया है उसने बोला कुछ जो शरारती एलिमेंट थे उनमें से एक बंदा था जो कह रहा था कि मैं इस लड़की को मार दूंगा उसके यहाँ पिस्टल लगी हुई थी एक तो पता नहीं ये तोरा बोरा की पहाड़ी है या मेन लाहौर है समझ में नहीं आई तो हमने उससे मुज़ाकरात किए उसको इंगेज किया ये ASP कह रही है कोई ऐसा इंडिविजुअल आपको नज़र आ जाए जो शरारती है जो कि हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था उसके होल्स्टर के अंदर एक लोडेड पिस्टल था जिससे वो कह रहा था कि मैंने इस खातून को मार देना यार मेरी जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को ये समझ नहीं आती कि कुरान अरबी में नाज़िल हुआ है अरबी ज़बान में अरबी ज़बान इज़ नॉट कुरान अरबी ज़बान की एक अपनी हिस्ट्री है अपना कल्चर है अपना सेटअप है पूरा और वो इस्लाम से पहले भी था इस्लाम से पहले था वो एक अरबिक बोलने वाले रीजन में इस्लाम आया था भाई वो उन लोगों के लिए आया था तो उनकी और इसी वजह से आया था उनकी ज़बान में इस वजह से आया था उन लोगों के फ्रेंच में नहीं आया था इस वजह से जब बनी इसराइल में आया तो वो हिब्रू ज़बान में तो भाई उन्हीं की ज़बान में आई चीज और वो दूसरी जगहों पर उनको उसको फैलाया गया जो किया गया जिस तरह भी हुआ लेकिन अरबी ज़बान एक बहुत पुरानी ज़बान उर्दू तो यार बच्चा है इसके सामने और आप सोचें आप बोलते हैं हम गरीब मुल्क है गरीब मुल्क है इतना इजी मनी है टूरिज्म का इन वाकयात के बाद कोई यूरोपियन कोई अमरीकी कोई कैनेडियन कोई आएगा यहाँ पे हम लोग जब दुबई में होते थे काम की गर्ज से तो वहाँ रमजान होते थे और वहाँ टूरिस्ट भी होते वही छोटे छोटे कपड़ों में घूमते थे किसी की हिम्मत नहीं हुई इन्हीं लोगों की कि जहाँ गया कि बाजी आप भी ये स्कर्ट छोटी लंबी कर ले हमारा रोजा है वो छुड़ता बाद में आता चमाड़ पहले पड़ता वहाँ यार मैंने अपनी आंखों से देखा बादशाह मस्जिद गया मैं फैमिली थी मेरे साथ भी मेरी फैमिली में हम लोग मस्जिद के आते से बाहर से एक औरत आई मेरी फैमिली में एक लड़की को कह के बेशरम सर पे दुपट्टा तो ले लो वो बच्ची मेरी शक्ल देख रही मैं उसकी शक्ल देख रही और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जिस औरत ने जिस अधेड़ उम्र औरत ने बाद मेरी फैमिली की लड़की को बोला था कि मैं उसको कन्फ्रंट कर सकूँ क्यों मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं मुझे पता है हमारी सोसाइटी का मिजाज क्या अगर मैं कन्फ्रंटेशन में जाता तो वो ये जो वाकयात होते हुए बचे हैं ना जैसे वो ASP ने बचाया वो बचाने वाला भी कोई नहीं होता वहाँ पर हम लोग मैं बताऊँ हम लोग उलझे हुए लोग हम फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं हम लोग बेरोज़गारी मुफलिसी लाकानूनियत अपनी हर किस्म की जो कमतरी है ना जो कमी रह गई है ज़िंदगी में उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी तरह निकालना जानते हैं और सबसे कंक्रीट जो हमें वो ढाल मिलती है वो मिलती है मजहब की साढ़े इस्लाम का मजाक है मैं कहता हूँ उस ASP लड़की को सलाम है उसने सोसाइटी का जो निज़ाम है ना हमारा उसके साथ लोग कह रहे यार उसने माफ़ी क्यों मंगवाई मैं कह रहा हूँ उसने जान बचा ली ना ये बहुत बड़ी बात थी बाकी जो उसने किया माफ़ी मंगवाई मैं कहता हूँ पैर में भी पड़ना पड़ता हो वो उसने लड़की पड़ी भी हो जो मौलवी हज़रात वहाँ खड़े थे उनके वो पैर भी पड़ी हो वो श्रीलंकन मैनेजर जो मारा था आज तक उस केस का कुछ हुआ कुछ नहीं वो जो पठान बेचारे बच्चे को मारा था वो क्या था सही है यूनिवर्सिटी में सही इसकी माँ ने बोला जब उसके उसके मैंने हाथ पकड़े तो उंगलियां तक किरची थी खुशाल खान केस हुआ वो चाइनीज इंजीनियर याद है जैसे तो वो तरावी पढ़ने गया था ड्राइवर को डांट दिया तो उसने कहा कि इसने इस्लाम को गाली दी उनका वो पागल आदमी तुझे चाइनीज समझ में आई थी नहीं यार आप अपना मतलब इतने अजीम मजहब को आप ना इन हरकतों से दुनिया के सामने ना मजाक बनवाते हैं
वो आपने वो देखा जो क्लिप है कुवैत की जिस कंपनी ने डिजाइन किया ये कुर्ता, उसने अपनी वेबसाइट पे लगाया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और जाहिलो हमें मैसेजेस करना बंद करो। वही ये मैसेज करने पहुंच गया कि आप जो हैं आप ऐसे कपड़े क्यों बनाते हैं। हमें दुख ये होता है कि जो इस्लाम हमारा प्यारा मजहब जो है इसमें जब कुरान नाजिल हुआ है तो उसका पहला लफ्ज जो था वो इनको याद रहता नहीं है, दैट इज तकरा पढ़ यानी कि वो देखने वाला पढ़ लेता कि भाई हलवा लिखा हुआ है नहीं है? पढ़ना सर वो तो एक शऊर के उसमें था ना, अपने आप को इस काबिल बनाओ, किसी काबिल तो बनाओ पहले, आप सिर्फ किसी को देख के वही जो उसका डायलॉग था नसीरुद्दीन शाह का खुदा के लिए मैं कहीं हम गलती से आशिक रसूल के बजाय आशिक अबू जहल तो नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी तो अबू जहल के भी थी, लिबास भी वही था जो रसूल अल्लाह ज़ेबे तन फरमाते थे। अबू याद है उर्तुगरल ड्रामे की जो लड़की थी जो स्विम सूट में उसको क्या भेज रहे थे लिख के, आप इतना तारीखी किरदार किया है ये कपड़े मत पहना करो, अपना काम करो, चलो रिश्ता भेजना था इन्होंने। हाँ आखिर में बेटा यही होगा कि दुनिया जो है वो आपको कह देगी चलो। अच्छा मुझे की बात बताऊँ हाँ। भाई आप नहीं कहेगी, उसकी वजह क्या है, यही लोग होते हैं ना ये हमें और आपको ही सिखाते हैं इस्लाम। यही जब किसी गोरे के सिक्योरिटी गार्ड बने हुए होते हैं या किसी गोरे के मुल्क में जाते हैं ना तो ढल जाते हैं, ये सिर्फ यहाँ बदमाशी दिखाते हैं। क्यों? इन्होंने मज़हब पे नहीं चलना, मज़हब पे हम जैसे आप जैसे लोग चल रहे हैं, हम लोग कैसे चल रहे हैं, हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं, हमने किसी का पैसा लेके नहीं खाया, हमने किसी की बहन बेटी की बेइज्जती नहीं की, हम लोग मजहब पे चल रहे हैं। ये लोग मजहब का सहारा ले रहे हैं, मजहब का सहारा ले रहे हैं कहाँ, जहाँ पे मामला चल रहे हैं, जहाँ पे ये ऐसा होने दिया जा रहा है, जहाँ पे नहीं होने दिया जा रहा है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर बोलते नहीं यार हम बड़ा सॉफ्ट इमेज है हमारा। या वी नीड समवन जो आगे इस दरख को ना इस तबाही के दरख को जड़ से काट के फेंके, नहीं फेंकेगा तो समझो गए। दुआ कर सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है गुजरे वाले वक्त से बेहतर।